हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंसेस होता है, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनता है, इस सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। जो इसका डिफिनेशन है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो कि एक बॉडी यहां पर है पॉइंट ए पर, तो यह इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, और यह बॉडी ए से चल के बी पॉइंट पे आ गया। इसने इस पाथ को फॉलो किया, ऐसे चला, तो यह इसका फाइनल पॉइंट होगा या फाइनल पोजीशन होगा। तो डिफिनेशन कहता है बच्चों कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो यह जो बनेगा यह होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? तो चाहे आप किसी भी पाथ को फॉलो करो, लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वह क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ओके, इतना क्लियर है? और हाँ बच्चों, आप किसी भी पाथ को फॉलो करोगे ना, ऐसे अगर मान करे तो ऐसे जाओ यहां पे, लेकिन यह जो पाथ है बच्चों यह डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? यह एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बच्चों फिक्स रहता है। अब जरा देखो, बॉडी जब ए से बी तक जा रहा था, अगर इस पाथ को फॉलो करेगा तो मान लो कि यहां पे है तो इसका डायरेक्शन इधर है, यहां पे आया डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इस पाथ से चलते हुए उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। और जब इस पाथ से चलेगा तो देखो ऐसे चलेगा तो डायरेक्शन उसका फिक्स है, यहां पे होगा तभी ऐसे चल रहा है, यहां पे है तभी भी ऐसे, यहां पे है तो ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, और जब डायरेक्शन फिक्स होगा तो क्या कहलाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इतना क्लियर है? इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एस, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं एरो, या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे बच्चों, हम इसको किसी सिंबल से लिख सकते हैं ऐसे डी आई इसके ऊपर ऐसे। तो जनरली बच्चों ए लिखा जाता है एस के ऊपर, वेक्टर या डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। इतना क्लियर है? इसका एस आई यूनिट मीटर होता है, क्या होता है बच्चों, मीटर, और इसको सिंबल के रूप में एम लिखते हैं। इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल टी जीरो होता है, तो यह इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी पॉजिटिव, या पॉजिटिव है, निगेटिव और जीरो। यह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आइए इसको समझते हैं।
मान लीजिए बच्चों कि यह आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और यह वाई है, इधर क्या होगा जेड। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है, किस पे बच्चों एक्स एक्सिस पे, या इसका ओरिजिन है और ओरिजिन से या कुछ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस एक्स वन डिस्टेंस पे है अभी, अब यहां से चलते हुए कहां आ गया बच्चों यहां पे आ गया, तो इसका पोजीशन क्या हो गया एक्स टू हो गया या बी पॉइंट पे आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, तो यहां से यहां तक इसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ और यह कितना होगा बच्चों एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। इसको बोलते हैं चेंज इन एक्स एक्सिस या चेंज इन पोजीशन कहते हैं इसको। अब जरा ध्यान दो कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 का वैल्यू x1 से ज्यादा हो मतलब कि बड़ा हो, तो इस कंडीशन में डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा बच्चों पॉजिटिव आएगा, और इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोजीशन में जितना चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इस यहां पे कहा कि जो x2 का वैल्यू है अगर x1 से क्या हो ज्यादा हो बड़ा हो, तो यह वैल्यू कैसे आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर देखें बच्चों कि इफ x2 इज लेस देन x1 हो, इसका मतलब समझिए ऐसे था बॉडी मान लो कि इनिशियली यहां पे था x1 पर और जा रहा था बच्चों ऐसे, और फिर रिटर्न होके मान लो कि ऐसे आ गया यहां पर, यहां पे x2 हो गया, तो इस कंडीशन में इसका फाइनल पोजीशन यहां है और इनिशियल बच्चों यहां पे। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, देखो ध्यान से x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों निगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से क्या हो पहले हो, पहले समझते हैं ना, इनिशियल पोजीशन यहां पे है फाइनल पोजीशन उसके पीछे हो गया मतलब कि पहले हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों निगेटिव आएगा। ओके, इफ एक्स टू बराबर एक्स वन हो, मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी है ए पॉइंट पर और यह गया बच्चों यहां पे और फिर लौट के इसी पे आ गया, तो यहीं पे इसका x1 और यहीं पे इसका x2, तो उस कंडीशन में डेल्टा x का वैल्यू कितना आएगा जीरो, यानी जो चेंज इन पोजीशन है वो जीरो होगा, और चेंज इन पोजीशन जीरो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इतना क्लियर सबको? ओके बच्चों, आइए और कुछ जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे आप पे अपने नोटबुक में नोट करें। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो बच्चों कि यह पॉइंट ए था और यह पॉइंट बी, कोई बॉडी ए से बी तक इस पाथ को फॉलो करते हुए आता है, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों इसका डिस्टेंस कहलाएगा डिस्टेंस। और अगर हम इसको ए से बी को मिला दें तो यह क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब आप सोच के बताओ कि यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों में से बड़ा कौन है, तो यह वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं यहां पर बच्चों जो डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बच्चों बड़ा हो सकता है। देखो बच्चों,
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अच्छा, अगर बॉडी इसी पाथ पे चलता, ए से बी पर चलता ऐसे, यानी यहां पे बच्चों इसका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो यहां पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, मतलब कि इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। क्लियर है इतना? तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है? हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ बॉडी किस पाथ पर मोशन करता है इस पर डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको हमने बताया कि बॉडी अगर ए से बी तक जाए, इस पाथ को थ्रू जाए, तो हमें पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, और वहीं क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, इतना क्लियर है? चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, कह रहा है बच्चों कि एक बॉडी है ए पॉइंट पर और यह ए से बी पॉइंट पे जाता है, फिर बी से सी पॉइंट पे जाता है ऐसे, और बच्चों यहां से लौटता है और आ जाता है बच्चों फिर ए पॉइंट पर। यह डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां तक का 40 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, और ए में है बच्चों फ्रॉम ए टू सी। जब बॉडी ए से सी तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताइए। अब देखिए यह क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पॉइंट, और यह क्या हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल को मिलाओगे तो यही लाइन आएगा ए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो एस का वैल्यू है वह होगा ए टू सी, ए से सी होगा, और ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 40 + 20, तो कितना जाएगा बच्चों 60 मीटर या डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपसे बी नंबर में पूछा हुआ है ए टू बी, ऐसे ए टू ए फ्रॉम सी। देखो बॉडी ए से पहले सी पे गया और सी से फिर ए पे आ गया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो यहां पे देखो इनिशियल पॉइंट कौन है बच्चों, ए है, और फाइनल पॉइंट कौन है, ए भी तो ए ही है, क्योंकि चाहे वह किसी पाथ पर चले उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इनिशियली वो कहां था और फाइनली कहां पे जा रहा है। तो फाइनली यहीं पे आ गया। अब बताओ दो पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस होता है, एक ही पे है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। इतना क्लियर है? एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चा कि एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर मतलब पाथ है,
और इस सर्कुलर पाथ के एक पॉइंट ए पर एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या बैठी हुई है। मान लो कि उसका नाम है बच्चों राधा। क्या नाम है उसका? राधा। अब राधा चलते चलते ए से कहां आ गई? आ गई बच्चों बी पर। और ए से बी पर चल रही है तो वह अपने सेंटर पे कितना का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, ऐसे। और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 14 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब यह राधा नाम की जो कन्या है यह ए से बी तक गई, तो पूछा है कि यह कितना डिस्प्लेस हुई वास्तव में। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, यह ए पॉइंट पर है तो यह हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और यहां पे आई है बी पॉइंट पर तो यह इसका फाइनल पोजीशन। क्लियर? अब हमने क्या सीखा था कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल को मिला दो, कैसे? स्ट्रेट लाइन से, तो वह क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो हम इसको मिला देते हैं बच्चों, देखो ऐसे ए से बी, स्ट्रेट दिख नहीं रहा है, ऐसे बना लो ना स्ट्रेट, ऐसे गई ए से बी गई, तो यह क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए बी होगा। और ए बी क्या है बच्चों? इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन वाला, ए वाला डिस्टेंस नहीं बच्चों। अगर ऐसे जाएगी ना तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ए से बी क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेचारे सुंदर से कन्या, देखो बेचारे नहीं है, सुंदर से कन्या है, देखो बुआ। तो ए से बी गई, अब हम ए से बी को कैसे निकालें? यहां पे एक ट्रेंगल बना ऐसा, यह कितना 90 डिग्री, और यह ए था और यह बी, हमको ए बी चाहिए, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? ए वाला 14 है और ए भी कितना है बच्चों? 14 है, तो यह 14 और यह भी 14, यह इसका हाइपोटेनस हो गया, एक को बेस मान लो एक को परपेंडिकुलर मान लो, तो यह ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यह इतना आएगा बच्चों, देखो 2 ऐसे 14 और रूट कितना 2, ये आएगा वैल्यू, इतना मीटर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत है का? ये तो कर सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर यहीं पे डिस्टेंस पूछा होता क्वेश्चन में, कहता कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का डिस्टेंस निकालें, तो बच्चों चल किस पर रही है? इस पाथ पर चल रही है ना, इस पाथ पे जा रही है, तो जिस पाथ पर जाएगी उसी का लेंथ निकालना होगा। तो इसका कोई फॉर्मूला आपके पास है क्या? बिल्कुल है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी। यही तो है बच्चों, आर्क है यह आर्क, और इसी को क्या बोलेंगे यहां पे? डिस्टेंस कहेंगे।
डिस्टेंस, और यह इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, टेंथ क्लास में आप सब पढ़ के आए थे, याद है किसी को? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, याद नहीं है तब भी हम आपको याद करा देंगे। थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, यह फॉर्मूला होता है। कहिएगा सर क्या पीछे का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा? हाँ बच्चों, टेंथ क्लास तक आपने जो भी पढ़ा था सबका यूज कहीं ना कहीं आते रहेगा, इसलिए वो सबको पकड़ के रखो, मोहब्बत करो सबसे, कहो कि दूर नहीं जाना है हमसे। थीटा बट्टा 360, थीटा का मान 90 रख लो यहाँ पे, 90 बट्टा 360 इंटू 2 पाई, तो पाई के जगह पे बच्चों 22 बट्टे 7 इंटू आर के जगह पे 14 है तो 14 लिखे। देखो कुछ मरने वाला है तो मार दो, या 4 हो गया यह कट जाएगा इससे तो 2, और यह कटेगा इससे तो 11, यह कट जाएगा बच्चों इससे तो 2 चलाएगा, यानी वैल्यू आ गया यहां से 22 मीटर। क्लियर है इतना? अब आप देख भी सकते हो बच्चों कि डिस्टेंस कितना आया 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 14√2, मतलब कि खूब बढ़ेगा तो बच्चों 18 के आसपास तक जाएगा यह। तो यह वैल्यू और इसमें बड़ा कौन है? डिस्टेंस बड़ा है। इतना क्लियर है? ओके, आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन कहा कि एक राधा नाम की लड़की है, और यह बच्चों राधा, अब देखो एक बोल रहे हैं आधा, आधा नहीं है बच्चों, राधा नाम है, राधा, राधा नाम की लड़की पहले कहां चली बच्चों? इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बता देते हैं आपको हम, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, और यह बच्चों वेस्ट है, और यह ईस्ट है। तो चली कहां बच्चों? ए पॉइंट से चलना शुरू की और ईस्ट में चली है, 20 मीटर चली ईस्ट में, और फिर यहां पे आने के बाद में यह अपने राइट से टर्न हो गई, राइट से टर्न हो के बच्चों यहां पे चली, फिर चली 20 मीटर और यहां पे आ गई। यह पॉइंट बी था, यह पॉइंट सी। पूछा गया आपसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ राधा, राधा का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से चली तो इनिशियल पॉइंट, और यहां पे आई तो यह क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। बीच में कहां जाती है, क्या करती है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ मतलब है बच्चों कि कहां थी और कहां गई है। इसको मिला दो, ऐसे मिलाओ तो यह क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी हम कहेंगे कि एसी क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है, और एसी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? देखो यह 20 और यह 20, राइट टर्न करने का मतलब है 90 डिग्री से मुड़ते हैं, तो यह एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल। लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, यहां से सॉल्व कर दो तो 20 आर रूट कितना आएगा? 2, इतना मीटर हो जाएगा। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि यह वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर आपको यह समझ में आता है तो
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल पे पहले से आप पे जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।